या देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ट्रंप ने कमला हैरिस पर बनाई शुरुआती बढ़त। ट्रंप जीत चुके हैं 230 इलेक्टोरल कॉलेज वोट, कमला हैरिस जीत चुकी हैं 187 इलेक्टोरल कॉलेज वोट। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल की जरूरत है। तो देखिए फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं और चुनाव के बाद ये चयन होगा कि आखिर व्हाइट हाउस तक किसका सफर तय होगा, किसके कदम व्हाइट हाउस तक पहुंचेंगे। क्या वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप होंगे या फिर होंगी कमला हैरिस, यहां पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अगर हम बात करें अमेरिका की, तो देखिए मतदान जो है वो कल ही समाप्त किया जा चुका है। उससे पहले भी बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया गया था और आखिरकार अब परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। अभी फिलहाल रुझान ही सामने आए हैं, परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन परिणाम का इंतजार किया जा रहा है बेसब्री से। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं शरद कोहली जी जो कि अर्थशास्त्री हैं, और साथ ही हमारे पास हैं निपुण जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत करना चाहूंगी और शुरुआत करना चाहूंगी शरद जी आपके साथ। देखिए वोटों की गिनती लगातार की जा रही है, रुझान अभी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है, लेकिन कमला हैरिस भी पीछे नहीं है, लगातार उनके पक्ष में भी रुझान सामने आ रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि जिस दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे उस दिन रुझान बिल्कुल विपरीत होगा? देखिए मैं अभी तक जो रुझान है उससे तो ट्रंप साहब आते लग रहे हैं, अनलेस कि कुछ जो अनडिसाइडेड स्टेट्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं, मिशिगन है, नेवाडा है, जॉर्जिया है, ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके परिणाम अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो उनके सामने के आप बात पता लगेगा। अभी थोड़ा सा जल्दी होगा कहना कि ट्रंप साहब आएंगे, पर अभी तक जो रुझान है वो ये संकेत कर रहे हैं कि ट्रंप साहब का आना, मुझे लगता है अमेरिका एक चेंज के लिए वोट करना चाहता है, क्योंकि ट्रंप साहब को, और मैं उसकी वजह भी आपको बताऊं, क्योंकि ट्रंप साहब को इकोनॉमी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट माना जा रहा था, जहां एबॉर्शन का मैटर हो और अन्य मैटर हो उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या कमला हैरिस जी को अच्छा माना जा रहा था, पर अमेरिका की जो जनता है वो इकोनॉमी से, खासकर महंगाई से त्रस्त थी पिछले कई वर्षों से। उसकी वजह से ट्रंप साहब का, मुझे लग रहा है ये जो अगर चेंज होके आता है, अगर ट्रंप साहब जीतते हैं, तो मुख्य कारण मैं उसका मानूंगा कि इकोनॉमी को वोटर्स ने सबसे ऊपर रखा है और बाकी मुद्दों को उन्होंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर रखा है, क्योंकि ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है और उनको अर्थव्यवस्था, उनको पहले 4 साल का तजुर्बा भी है, उनको अर्थव्यवस्था का तजुर्बा है, उनको पता है कि कैसे एक अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। मतलब जो भी कैंडिडेट है, अच्छा है या बुरा है, पर अमेरिका की जनता को ये लगता है कि ट्रंप साहब जो है उनके देश को बेहतर तरीके से आर्थिक रूप से चला पाएंगे, क्योंकि अमेरिका में मंदी की दस्तक सुनाई दे रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में मंदी सुनाई दे रही है, बेरोजगारी, हालांकि जो नंबर्स हमें दिखाई देते हैं कई दफे उनमें विंडो ड्रेसिंग भी करी होती है, पर सच यह है कि अमेरिका की जनता को मंदी दिखाई दे रही है, बेरोजगारी से चिंता है, महंगाई की वजह से चिंता है, और रिश्तों को लेके जिस तरीके से अमेरिका ने सपोर्ट किया है यूक्रेन को, उससे भी अमेरिकी जनता को लगता है कि उनका बहुत सारा पैसा, बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन, डिफेंस का सामान यूक्रेन में जा रहा है। इसी प्रकार इसराइल के समर्थन में भी बहुत सारा रिसोर्सेस जो है अमेरिका के वो जा रहे हैं, तो अमेरिका जनता को लगता है कि अगर ये रिसोर्सेस बचा के अपने देश के लिए लगाए जाएं तो ये अमेरिका की जनता को लाभ पहुंचाएंगे। इन सब बातों को लेके मुझे लग रहा है अगर ये ट्रंप साहब जीत के आते हैं